तो अभी ये देख सकते हैं, ये वाला कपड़ा बारात के लिए, मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे ले रहे हैं बारात के लिए काजल के लिए लहंगा, देख रहे हैं हम साड़ी लेना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो अभी शादी के लिए चुनरी ले रही है काजल, फर्स्ट टाइम चुनरी ओढ़ेंगे, है ना। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, ये वाला एक ड्रेस है जो कि डिजाइन तो यही वाला है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे एंड हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 7 बज रहे हैं। काजल सुबह सुबह पूरे घर में पोछा लगा रही है और बर्तन जितने भी कपड़े थे सब कपड़े धो दिए, इधर कुछ पसार दिए हैं और कुछ बाहर में काजल ने कपड़े पसारे हैं। बाकी सुबह सुबह आ गई है मानसी की फ्रेंड अर्चना और दोनों लोग अभी यहाँ पे केक सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक खा रहे हैं और काजल घर में पोछा लगा दे रही है। तब तक मैं सारा सामान अरेंज कर देता हूँ। ये बड़े पापा का कंबल है और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि सेट करना है, जल्दी से निकलना है अभी थोड़ी देर में। तो चलिए सारा अभी जितने भी कपड़े हैं ना थोड़ा बहुत तो वो वहाँ रख दिए हैं। और यहाँ पे क्या है कि बड़े पापा के ये कंबल और बेड वो शॉल है तो उसको चलिए चपेट के और वहाँ रख देते हैं। तकिया उकिया भी अभी यहाँ से गया था क्योंकि जीजा जी आए थे तो सब लोग सोए थे न्यू वाले घर में, और दीदी और दीदी के बाबू सब लोग इसमें सोए थे। तो कुछ यहाँ से बिस्तर ले गए थे, कुछ बड़े पापा से ले आए थे भी। तो चलिए सारा सेट कर देते हैं। तो फटाफट से लगा लो झाड़ू आए और जितना जल्दी निकलेंगे सही रहेगा क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए, कल के बाद से फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अभी दोनों लोग रेडी हो गए हैं और चलिए चलते हैं अब फाइनल, क्योंकि अब नहीं आ पाएंगे, बहुत सारा काम है अभी, बहुत सारा पेंडिंग पड़ा। अभी नाश्ते के लिए मिठाई वाले को भी बोलना है और वहाँ पे जो जिसका शादी है वो हल्दी लग रहा है ना तो वो कहीं जा भी नहीं सकता, भैया को बाइक चलाना आता भी नहीं। चलिए अभी चलते हैं, सारा काम खुद से ही करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं बैग वैग पैकिंग कर लिए, चलिए लेके चलते हैं, गाड़ी में रखते हैं। पता है पुतुल क्या बनाई, क्या है खाना ना आप खाए ना हो, रात का पूरी लोग खाए हैं सब, तो इसलिए चलना रखे खाने के लिए। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं कि कोई को पसंद है, आप लोग बताइए, बहुत पसंद है, इसमें चीटी चल रही है उसको निकालेंगे, मन से खोल देती है, धिमलाते जा रहे हैं खटिया लेके, तन कुर्सियाँ पहुँचा दे बाबू घर, और बहुत तेज हवा मार रहा है, रुका ही नहीं रहे कोई धिमला ना जाए। और इधर सब कुछ हम सेट कर दिए हैं, बस यहाँ ताला मार रहा है, बगल में रख ले पूरा आंगन। हाँ बहुत प्रकार मौसम बन रहा है, आंगन को लिप दिए तो कितना सुंदर लग रहा है, येलो इधर इधर दूसरा ही लग रहा है, एकदम येलो मिट्टी लग रही है। जाकर खेलेंगे बच्चे तब तो जाने के बाद घुमाइए, और ये हम लोग खाएंगे उसे, घूम गया चलो आओ थोड़ा सा और बैग ले लें दो भागो इधर। तो फ्रेंड अभी चल रहे हैं और ना आज से बस 2 दिन बाद तिलक है ना, और हम लोग बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन क्योंकि कुछ भी नहीं खरीदे हैं, कपड़ा उपड़ा कुछ भी नहीं खरीदे अपने लिए, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। तो देखते हैं इनके फ्रेंड आने वाले हैं नोएडा से तो बोले पैसे के लिए, बोले ठीक है दे देंगे, जीतन है स्पॉन्सर वगैरह देख रहे हैं करते हैं कर लेंगे। क्या पीछे गया दुकानिया आगे बनू, हाँ उनका दुकान आगे है, नहीं आगे नहीं बैठेंगे अब, बताइए केक लेके जा रहे थे, अब सन बाबू को बोले कि जल्दी जल्दी आप खा लीजिए नहीं तो फिर गाड़ी चलेगा तो इधर से इधर गिरेगा इसी वजह से, और थोड़ा इनको दे दे रहे हैं और ले बाबू, और केक वहाँ रख दिए हैं तब तक उधर से उठा के इधर, तो इसलिए बोल रहे कि क्या हुआ क्या हुआ, और इधर देखिए इतना टेस्टी, और ना मेरे इधर गिर गया थोड़ा सा तो हम घर पे जाके उसको साफ करेंगे, पानी मारेंगे, इसका बस रस गिरा है तो फट जाएगा तो अजीब अजीब लगेगा इसी वजह से। आ रहे हैं पापा कपड़े लेने गए, बड़े पापा का कपड़ा सिलने के लिए यहाँ दिए थे ना भैया तो वही लेने गए हैं। अच्छा तो फ्रेंड हम लोग फाइनली पहुँच गए, रुक सनु बाबू रे केक लगा दे जा ही निकले, और ये तब पता चला कह रहा है कि बड़ी धीरे हवा चल रहा है, चलो आराम आराम से निकलो सब लोग सामान सब बाद में, ले पापीता बाबू लोग को दे दे हम लोग को, ले जी आकाश में आकाश में दे दे हाय तन धारण दीदी दे दो उधर बड़ी मम्मी को, चलिए चलिए मेरा दिन जन्मदिन काजल का झूठ कर ले मत में मैम दे दे खोलो का सिया के दादा का बैच।
तो अभी दोस्तों सब लोगों ने केक खा लिया हमारा, और मानसी बेटा और हम, काजल और भाभी, तीन लोग जा रहे हैं अभी मार्केट में, क्योंकि कपड़े एक भी नहीं लिए हैं किसी के लिए, है ना। तो फिर हम ससुराल से इधर मार्केट आ चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला। वहाँ मम्मी भी रेडी हुई, हम लोग भी, और आज हम दिखा रहे हैं अभी मार्केट में क्या। हम और दीदी आए थे, मम्मी चले गए कार्ड देना। इधर में भी गोपालगंज में बहुत सारे लेसन है, और मानसिक पापा भी उनके साथ है। तो मैं दिखाती हूँ अभी क्या ले रहे हैं मानसिक। हम दीदी आए हुए चप्पल लेने, दीदी भी कहाँ गए, उनके लिए एक चप्पल तो सुन किए थे, खुद सुनकर कहाँ गए। कौन सा चाहिए आपको बोलो। तो अभी यहाँ पे काजल ले रही है सूज मानसी के लिए, और भाभी ने लिए है ये वाला, ये सनू के लिए। तो अभी यहाँ पे ले रहे हैं बारात के लिए, काजल के लिए लहंगा। देख रहे हैं हम साड़ी लेना ज्यादा अच्छा समझेंगे, क्योंकि साड़ी में ज्यादा यूज हो जाता है, हम इसको खाली पार्टी फंक्शन में पहनते। लहंगा मेरे पास तीन चार है, एक भी पहनती नहीं। हाँ, तो उसी तीन चार में से को पहन लो आज। ये लहंगा को आप शादी के अलावा भी कोई भी घर में, हाँ, इसलिए मैं इस टाइप में है आप पहन पाइएगा, इसलिए इस टाइप का मैं देख रही हूँ। और ये देखिए कुछ इस तरह का है, थोड़ा बनारसी टाइप का साड़ी भी है। ठीक है, लहंगा कौन सा रहेगा मानसी, क्या मुंह में डाल रही हो, निकालो। तो अभी शादी के लिए चुनरी ले रही है काजल, फर्स्ट टाइम चुनरी ओढ़ेंगे, है ना। आयरन बा कर लियो ना, आयरन से तो कर ले। इन दोनों में आपका कौन सा, दोनों है कि। तो अभी ये देख सकते हैं ये वाला कपड़ा बारात के लिए, मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बेटा आपको, ठीक है। अब कल तू देख लो, उठ के खड़ा हो जा, उतरबो उतरो, घुमा के चली छियो। तो एक ये वाला ड्रेस देख रहे हैं मानसी के लिए, लेकिन ये ना ये ऐसे उड़ जा रहा है ना, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। पनीर तो सबसे मेन है उसका, सही है ना। हाँ। गुड़ गुड़ घूमो तो जरा, वाह। और आप लोग कमेंट वाले, और एक ये वाला पहना था अभी पापा, इसके लिए हटे हुए हैं ये लेना, बहुत टाइट है, मुझे बहुत दर्द कर रहा था। हां बेटा उसमें कंफर्टेबल हो ना। और ये वाला और ये वाला ना, दोनों में कौन सा बेस्ट है आप सब कमेंट कीजिएगा। मेरे को तो ये वाला लग रहा है, काजल को ये वाला लग रहा है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं ये वाला एक ड्रेस है, जो कि डिजाइन तो यही वाला है, बट क्या है ना कि ये थोड़ा पिंक में, तो ये ज़्यादा मेरे को बेटर लग रहा है, सबको मतलब बेटर लग रहा है। बाकी देखते हैं कौन सा लेते हैं, आप सब बताइएगा कमेंट में। हम मार्केट से कभी आ चुके हैं, और आकर के हाव हाव घर बर्तन कर दिए हैं, दीदी खेत में चले गए हैं, और शाम हो गया था, दीप जला दिए हैं, दीप चला दी, पूजा पाठ कर लिए हैं इधर, और अभी देखते हैं खाने में क्या बनेगा। घर में तो कोई नहीं है, बस हम हैं, मानसिक पापा है, बच्चे लोग हैं, और कोई नहीं है, सब लोग खेत में गए हुए हैं। तो मानसिक को दिखाते हैं अभी क्या कर रही है। मानसिक उधर बाहर खेल रही है, टेंगे टेंगे बोल रही है, और काम कर लिए, झाड़ू उड़ू लगा दिए, विकास बाबू को थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए सोए हुए हैं, मानसिक पापा भी सो रहे हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बुरी दिख रहा है, या फिर ये अपना पंखा चला दिए हैं, आके बेगो सब ठीक किए थे, और इधर मैं रखी हूँ सारा सामान जो खरीद के लाए थे। दबा देते हैं यहाँ आए, तो हम आ गए हैं मार्केट में, और कुछ सब्जियाँ आप लेके चलेंगे ताकि जल्दी से बनेगा, क्योंकि भूख लगा है बहुत तेज, और क्योंकि घर से जब आए थे ना उसके बाद से मार्केट में ही चले गए थे शॉपिंग कराने सब कुछ। तो बाकी काजल और मानसी के लिए तो कपड़े खरीदा गया है, बस बचा है जो मेरा है, और बहुत सारे अभी काम है। मैंने 5 रूम का व्यवस्था किया है, यूट्यूबर्स दोस्त जो आ रहे हैं हमारे उनके लिए 5 कमरा मैंने व्यवस्था किया है, और 5 तो मेरे घर में ही है, यानी 10 कमरा है, तो 5 कमरे में शायद एडजस्ट हो ही जाएंगे, बट देखते हैं अभी, और भी रहा तो और भी हो जाएगा, पास में ही है घर, मतलब सब घर में ही है, तो देखते हैं कैसा होता है। चलिए घर पे बताएंगे, अभी यहाँ पे आए हैं मिठाई का बैनर देने, यानी कि नाश्ते के लिए जो मिठाई चाहिए उसके लिए आए हैं। तो देखिए नाश्ते में
क्या क्या रखते हैं और कितना मिठाई लगता है। 400 पीस कम से कम होना चाहिए नाश्ता। तो ये वाला होटल है अभी और छोटा वाला भाई भी आया। चलिए बात करते हैं। मार्केट से आ गए थे, पानी भी लाए हैं एक बोतल बिस्लेरी का। और इधर आओ बेटा। क्या हुआ? आपका जो ड्रेस लिए हैं वो कैसा है? बहुत मस्त है। बहुत मस्त है, आपको पसंद आया? कौन सा लिए? मुझे समझ नहीं आया। वो वाला लिए, पिंक वाला। मुझे दिखाई नहीं दिया। आप पहन के नहीं चेक कर रहे थे? वो वाला। वो वाला? हाँ। मुझे दिखाई नहीं। और काजल का साड़ी ना दोस्तों, बहुत ही प्यारा लिए हैं इस बार। मतलब कि काफी प्यारा साड़ी है काजल का। वैसे क्या बेटा? गाना। गाना अभी बजेगा, अभी स्पीकर उसका फटा है ना, वही बना रहे हैं अंकल। तो अभी नहीं बन पा रहा था। नहीं अभी नहीं बज पा रहा। नहीं बेटा, और काफ़ी मतलब कि मस्त साड़ी है। और मानसी का भी ड्रेस काफ़ी प्यारा है। और अपने लिए अभी नहीं लिए हैं, अपने लिए थोड़ा सा अभी रुके हैं, क्योंकि सारा अरेंजमेंट होने के बाद ही अपने लिए सोचूंगा अभी। क्योंकि घर में अगर सब लोग आ रहे हैं तो पहले वो सब देखना ज़रूरी है। बाकी देखिए जैसे तैसे होता है, आगे आप सबको ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। और देखते हैं कि अगर कल एक मेरा फ्रेंड आ रहा है दिल्ली से, और बाकी सभी लोग जितने भी लोग को इनवाइट किया है मैंने, वो लोग आएंगे 22 तारीख को, जिस दिन मटकोर है उस दिन आएंगे सब लोग। और देखिए अभी रूम वूम के बारे में बात किया है, कल हो सकता है सफाई वफाई करेंगे पूरे रूम को, अच्छे से सेट करेंगे जहाँ पे सबको रोकना है, तो वो कल करेंगे। तो बाकी बहुत सारा अभी काम पेंडिंग है, मिठाई का भी ऑर्डर दिया गया है, आज देखे थे ब्लॉग में दे दिए थे। और भी कई काम है जो कि अभी करेंगे। बाकी अभी काजल खाना बना रही है घर में, मानसी बेटा खेल रही है, और हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबको ये हमारा प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।